संभाल के. सो वन ऑफ द बिगेस्ट बिगेस्ट स्कैम्स, काफी सारे स्कैम्स हुए हैं, काफी सारे. उसमें से एक स्कैम जो चंद साल पहले हुआ था उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी. ज्यादातर स्कैम्स हमने हाथ नहीं लगाए क्योंकि पॉलिटिकल थे वो स्कैम्स, काफी सारे थे. तो हमने कुछ नॉन पॉलिटिकल बट टेक रिलेटेड, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे देश में पिछले 20-25 साल से बहुत बड़ा हो चुका है और उसी में होता है, उसी के अंदर आता है ये स्कैम. और इसीलिए मैं उसी को लेकर एक आपको सवाल कर रही हूं. हु वॉज एट द सेंटर ऑफ द सत्यम स्कैम? जय मालिया और रामलिंगम राजू. हु वॉज एट द सेंटर ऑफ सत्यम स्कैम? विजय मालया और रामलिंगम राजू. तो ये जो स्कैम है, ये पहले के प्रमोटर्स और मैनेजर्स जो है उन्होंने मिलकर सत्यम स्कैम किया था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ. उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर फ्रॉड किया था. रामलिंगा राजू इज द पर्सन. और ज्यादातर यस आंसर्स आ गए हैं. आपने गलत जवाब दिया है. 80% ने मुझे विजय मालिया का जवाब दिया है और रामलिंगम राजू सिर्फ 20%. तो 20% को तो पता था कि सत्यम स्कैम में रामा लिंगम राजू हैं और रामा लिंगम राजू जो हैं वो इस स्कैम में मौजूद थे क्योंकि वो इसके पीछे थे. वो और उनके भाई और सात और लोगों ने मिलकर सबसे बड़ा स्कैम हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किया था और 7-7 साल की सजा भी इनको मिली है. फ्रॉड वॉज कैरीड आउट बाय ओवर स्टेटिंग द अमाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ द वेरियस ट्रांजेक्शन इन द एक्सचेंज बुक्स. बताइए. एक्चुअली हुआ क्या था मैम, देखिए इन्होंने क्या किया था, अपने पर्सनल अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर किया एंड उससे उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी। जी उन्होंने सोचा तो ये था प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ेगी, वो प्रॉफिट हम रख लेंगे और जो कंपनी से हमने पैसा निकाला होगा वो वापस कंपनी में डाल देंगे। जी जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन हाँ हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व थे। जो सत्यम के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे उनको भी काफी मतलब गलत किया उन्होंने। ये देखिए, एक देशभक्त का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो फौज में जा रहा है और आर्मी में लड़ रहा है। आप जिस भी जगह हैं आपकी देशभक्ति वहीं दिख सकती है। आप अपना काम ऑनेस्टली कीजिए। अगर मेरा काम टैक्स जमा करवाना है लोगों का तो वो मैं ऑनेस्टली करूं। आप अगर एक मजदूर हैं और आप एक घर बनाते हैं तो वो आप ऑनेस्टली बनाएं, क्योंकि इवेंचुअली आपकी गुड डीड्स ही आपको ऊपर भगवान के पास जो है ना वो वैल्यू देगी। इवेंचुअली सबने वहीं जाना है, किसी ने कहीं और जाना है तो वो बता दो भाई, कोई और जगह है क्या जाने की। तो इसलिए आप अच्छे काम कीजिए, देशभक्ति अपने आप हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल. तो ये बहुत जरूरी है. इट वाज समवेयर अराउंड 14,162 करोड़ का स्कैम किया था इन्होंने. मतलब पैसे की इतनी भूख कि आप अपने प्रॉपर्टीज बस बस बांधते जाए और एक बड़ी गवर्नमेंट एजेंसी को ही मतलब बिल्कुल चकमे में डाल दें. ये मेरे पता नहीं इनके पास इतनी हिम्मत कहाँ से आती है राहुल जी. मैम देखिए, ऑडिटर्स अगर साथ ना देते ना तो वो कर ही नहीं हाँ पाता। करेक्ट. इतना बड़ा स्कैम नहीं कर सकता, छोटा मोटा कर सकता है, ऑडिटर से छुपा के कर ले, लेकिन ये सच है इतना बड़ा स्कैम हमसे छुप के नहीं हो सकता। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहा है उसकी बिना मदद के ये नहीं हो सकता। हुआ क्या था, इन्होंने बैंकों की एफडीआर तक फेक दिखा रखी थी। ठीक है, बैलेंस शीट में एफडी आ रही है और इन्होंने उठा के अपने पैसों में निकाल के और उससे प्रॉपर्टीज खरीद रखी है एंड वो प्रॉपर्टीज की वैल्यू डाउन हो गई। दिक्कत वहां से शुरू हुई। इन्होंने खुद ही सेबी को लेटर लिख दिया, भाई मुझे कोई नहीं पकड़ पा रहा, मैंने ये गलती की है, मुझे बख्श दो। ये करेक्ट. हुआ था। ये तो मतलब बिल्कुल पंगा है अब. और ये जो इन्होंने किया है इसके लिए तो मतलब मैं बिल्कुल शॉक में हूं कि ऐसे स्कैम्स होते कैसे हैं. अमंगस्ट द मेनी मेनी स्कैम्स जो इस दुनिया ने, जो इस देश ने देखा है, यस है तो बहुत गलत और गवर्नमेंट को तो कुछ इनके अगेंस्ट करना ही चाहिए. जितना होता है उनकी प्रॉपर्टीज पर तो मतलब ये लॉक कर देते हैं, सील कर देते हैं और गवर्नमेंट जब्त कर जरूर लेता है. लेकिन इतना बड़ा अमाउंट, ये अमाउंट रिटर्न करना गवर्नमेंट को ज्यादा कर स्कैमस्टर्स को नहीं होता क्योंकि वो पैसे होते ही नहीं है. ये गड़बड़ वाले पैसे होते हैं जो दिखाया जाता है अकाउंट्स और बैलेंस शीट को बिल्कुल गड़बड़ी में डालकर, और जिसकी वजह से जा जाकर देश की ही लॉस यहां पर हो जाता है.